You know what I'm seeing. I mean, it feels amazing, man. It's beautiful, and it's the people. Everything is amazing, and it's beautiful here. The food, the people, everything's amazing. So may I know your country name? I grew up in India, but I live in California, San Francisco, in America. So you brought up in India? Yeah, I grew up in India. That's why I just confused that you look is like an Indian. Idea. Right. You accent is, I mean, you just working place is America. Your working place is America, and your father and mother. I'm just visiting with my family here. Okay, so which is the thing which have pulled up you to in India, I mean, in Varanasi especially? Just the culture, and it's one of the oldest cities in the world, yeah? Very old city, so the culture, the color, the people, the food, all the boats and everything. How many times have you visited in Varanasi? This is my second time. My first time, I was a baby. So where is your baby right now? I don't have a baby, but I was 5 years old when. The first time I came here, you were a baby. I was 5 years old, yeah. So you came with your family? I came with my family when I was very young, yeah. So I just do you want to visit in Sarnath? I actually went to Sarnath a few days ago. So right now, what is your next plan in Varanasi? No plans, man. Just enjoying and just enjoying the. You wanna be evidence of Aarti? Exactly. So I think you should visit in Sarnath also. Definitely, I'll come check out Sarnath. I went to Sarnath a few days ago. Oh. I went to Sarnath. It's so, like 10 kilometers from here, right? So when did you come here? I mean, few days back. 5 days ago. 5 days ago. So you have already visited in Sarnath. Yep. Okay, that's amazing. Okay, thank you. Thank you, man. So much. What is your name? My name is Amar. 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 Oh, Amar. Okay. Nice to meet you. Thank you so much. Channel of Banarasi Vlogs. And if you have any little time, then you can see your video. Thanks, man. Thank you. Good luck. तो काशी विश्वनाथ मंदिर का मैं थोड़ा और इतिहास पर प्रकाश डालना चाह रहा हूँ कि इस मंदिर के बारे में सबसे पुराना जो हमारे पुराण है हिंदू पुराण जो है वो उसमें स्कंद पुराण भी आता है। स्कंद पुराण में काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है और जो ओरिजिनल मंदिर था दोस्तों जो ओरिजिनल पहली बार जब बनाया गया था उसको जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो आर्मी थी उन्होंने तोड़ा था 1192 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों उस मंदिर को वहाँ पर कोई मस्जिद वस्जिद नहीं बना था, केवल मंदिर तोड़ दिया गया था। उसके बाद 1211 ईस्वी में एक कोई गुजराती व्यापारी था, उसने पैसे लगाकर वहाँ फिर से मंदिर बनाया। अब सोचिए, पहली बार तो ओरिजिनल था, तोड़कर फिर से उसी जगह पर मंदिर बन गया। उसके बाद 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी के शासनकाल में उस मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा इतिहास है इसका। 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी के शासनकाल में इसको तोड़ दिया गया। उसके बाद धीरे 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 समय बीतता गया। फिर उसके बाद एक राजा थे, राजा मानसिंह, जो अकबर के शासनकाल में मतलब हिंदू राजा थे, जो मतलब उनके अधीन आ गए थे, अधीनस्थ उनके थे। तो उन्होंने सारे राजाओं को बोला कि हमें वहाँ का मंदिर बनवाना चाहिए। तो क्योंकि वहाँ पर फिर भी अभी मस्जिद नहीं बना था, केवल मंदिर तोड़ दिया गया था। तो फिर सारे राजा ने बायकॉट कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम मंदिर बनवाएं और इससे मतलब जो हमारे मुगल इम्परर हैं उनको उनके नज़र में हम गिर जाएं। तो इस तरह वो प्लान राजा मानसिंह का फिर से फ्लॉप हो गया। उसके बाद एक्चुअली में हो सकता हो कि सारे राजा समझ नहीं पाए हों कि अकबर की मानसिकता क्या है, क्योंकि राजा टोडरमल जो उनके नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने अकबर को ये सुझाव दिया कि हमें वहाँ पर मंदिर बनाना चाहिए, जहाँ पाना हमें वहाँ मंदिर बनाना चाहिए। तब अकबर ने उस मंदिर के लिए फंड दिया कि ठीक है, आप जाकर वहाँ मंदिर बनाइए। फिर से जाकर वहाँ पर दोस्तों मंदिर बना, जगह वही था, मंदिर बनता गया। अब देखिए ये कौन सा, ये दूसरी बार मंदिर बना। पहली बार बनाया था वो गुजरात का जो व्यापारी था वो बनवाया था, उसके बाद ये राजा टोडरमल बनवाए थे, राजा टोडरमल ने फंड लेकर बनवाया था। उसके बाद दोस्तों समय बीतता गया। उसके बाद औरंगजेब का शासनकाल आया और उसने क्या किया कि उस मंदिर को तोड़वा कर वहाँ मस्जिद बनवा दिया।
अब क्या हुआ कि कुछ राजा सोचे कि यार ये तो बहुत गलत हुआ, अब वहाँ पर मंदिर तो तोड़ा फिर मस्जिद बना दिया। अब ये क्या हुआ कि राजस्थान के राजा थे कोई, राजस्थान के राजा, वो क्या किए कि वो मस्जिद को तोड़कर फिर से मंदिर बनाना चाह रहे थे, लेकिन अवध के जो नवाब थे यहाँ पर वो उन्होंने टूटने नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि फिर वो क्या हुआ कि 1780 ईस्वी में क्या हुआ कि जो महारानी होलकर थी, अहिल्याबाई होलकर थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है अगर हम मंदिर वहाँ नहीं बना सकते तो उसके बगल में, दोस्तों वो बात वो थी उस जगह की, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी वहाँ पर आ चुके थे, और वो जो पर्यावरण था मैंने बताया ना, वो जो इन्वायरमेंट था उस थोड़ा जगह का, वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र हो चुका था। तो बार बार उसकी चर्चा हो रही थी कि वो जगह, उस जगह पर ही मंदिर बनेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम उसके थोड़ा सा छोटे से उसके बगल में ही एक साइड पर हम मंदिर बनवा देते हैं। तब अहिल्याबाई होलकर ने 1780 ईस्वी में वहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों आप अंदर जाओगे ना, हमें अंदर तो जाने नहीं दिया गया, आप अंदर जाओगे तो गुम्मत पर जैसे कि एक सोने की परत चढ़ी हुई है। तो वो जो एक टन सोना महाराजा रणजीत सिंह ने दिया था, रणजीत सिंह जो सिख राजा थे वो, उन्होंने एक टन सोना दिया था और उस पर लगाया गया। और मैं वही फैक्ट रखा हूँ जो मतलब आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, और जो रियल फैक्ट है वही मैं रखा हूँ। तो अभी का जो अभी तो आप सोचोगे कि अभी तो ये भी ओरिजिनल मंदिर नहीं, और इसका एक डुप्लीकेट बन गया है, समझ लीजिए BHU में अभी एक काशी विश्वनाथ मंदिर बन गया है, वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है, आप देखोगे तो इसे काफ़ी भव्य दिखेगा, बहुत बड़े में है। लेकिन आज भी भीड़ जितनी यहाँ होती है ना दोस्तों, वहाँ नहीं होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।